हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा डेयरडेविल से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेयरडेविल के ऊपर पहले काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल स्टूडियो में इसके ऊपर काम चल रहा है, और देन आज के दिन कन्फर्म हो चुका है कि केविन फाइगी ने कन्फर्म कराया एक इंटरव्यू के दौरान कि डेयरडेविल पर डिज्नी प्लस और मार्वल स्टूडियो साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। अब कुछ डाई हार्ड फैंस हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि भाई पुरानी सीरीज के पुराने सीजन का क्या होगा, क्या ये सीजन 4 होगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि शायद 50-50 चांसेस हैं कि 50% ये सीरीज रिबूट हो सकती है मार्वल स्टूडियो के लिए, या 50% चांसेस हैं कि शायद ये 4th सीजन आए। देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। पर जब से ये कंफर्मेशन हुआ है, कुछ रूमर आ रहे हैं कि ये आने वाली सीरीज में भी हमें डेयरडेविल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन नो बी होम में तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं चार्ली एज अ डेयरडेविल, देन लॉयर के रूप में, और देन शी हल्क जो सीरीज आ रही है मार्वल स्टूडियो की, उसमें भी हमें डेयरडेविल का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। देन थर्ड रूमर आया है कि आपको मार्वल स्टूडियो डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज इको में भी आपको डेयरडेविल देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। और देन लास्ट जो फोर्थ है, जो कि एकदम ऑफिशियल कंफर्म है कि 4th सीजन या फिर एक रिबूट वर्जन मार्वल स्टूडियो की तरफ से आपको डेयरडेविल का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 4 अपीयरेंस देखने को मिल सकते हैं आपको डेयरडेविल के। देन बात करते हैं एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो एडम बॉलवर्क यानी कि बिल का फाइनली फर्स्ट लुक आ चुका है, जिसमें कि उनके हेयर गोल्ड काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, घुंघराले टाइप के। और देन उसी के साथ स्पाइडर वर्स एरो द स्पाइडर वर्स का फाइनली लुक लॉन्च हो चुका है, पहला लोगो का ट्रेलर भी आ चुका है। पार्ट वन रिलीज हो रहा है साल 2022 में और सेकंड पार्ट होगा साल 2023 में। एंटरटेनमेंट वीकली ने भी ऑफिशियली फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें आपको एक इंडियन स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा पवित्र प्रभाकर के नाम से। जी हाँ, प्यारा नाम है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो देखिएगा जरूर। और देन उसके साथ बात करते हैं वल्चर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली वल्चर का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं माइकल कीटन, उन्होंने कंफर्म कर दिया ऑफिशियली कि वो मॉर्बस मूवी के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट कर रहे हैं। जी हाँ, रीशूट, जो कि मोर एक्शन फाइटिंग के सीन हो सकते हैं। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।